हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आपके ही रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आज हम लेके आए हैं क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 8.3, है ना। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर 8.3 को बता दीजिए, तो इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ। अगर आपको भी कहीं दिक्कत है तो आप भी बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो ये 8.3 को एक्सरसाइज है, ये आपका वर्गमूल पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हम इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको डिटेल से सारा चीज बताया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर इस चैप्टर को बनाने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग वर्ग देखेंगे। तो वर्ग क्या होता है? किसी भी नंबर का वर्ग उस नंबर को उसी के साथ गुना करने पर मिलता है। यानी अगर एक का वर्ग लिखे हैं, एक का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एक गुना एक, एक। ठीक है, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दो गुना दो, चार। ठीक है, उसी तरह से तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तीन गुना तीन नौ, चार का स्क्वायर, चार गुना चार सोलह, है ना। पाँच का स्क्वायर, पाँच गुना पाँच पच्चीस। उसी तरह छः का स्क्वायर कितना हो जाएगा? छत्तीस। आपको ये मालूम होना चाहिए, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि वजह से आपको अभी पता चलेगा पूरा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ डिटेल में छुपा हुआ। आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अठारह अठारह चौंसठ। नौ का स्क्वायर नौ नवा इक्यासी, और दस का स्क्वायर दस दहाई सौ। उसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं इक्कीस का, ग्यारह का स्क्वायर। तो ग्यारह का स्क्वायर कितना होता है? ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस, है ना। 12 का स्क्वायर 144। उसी तरह से 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 154। 14 का स्क्वायर ऐसे निकालिए, 4 चौक 16, 4 चार 8 और 1 9 दो 196। ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। और 20 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400। ठीक है, ये होता है, समझ में आया। अब देखिए जो मेन मुद्दा है, अब यहां पर समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, ये वर्ग हुआ, तो वर्गमूल इसका उल्टा होता है। जैसे चार का वर्गमूल बोलेगा तो दो हो जाएगा, नौ का वर्गमूल बोलेगा तो तीन हो जाएगा, पच्चीस का वर्गमूल बोलेगा तो पांच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए चार का अगर स्क्वायर बोलेगा तो सोलह, और सोलह का वर्गमूल बोले तो चार। समझ में आया, वर्ग का उल्टा वर्गमूल। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए मेन मुद्दा अब यहां से स्टार्ट होता है। देखिए आपको सम संख्या विषम संख्या पता होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो दो से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे दो हुआ, चार हुआ, छः हुआ, आठ हुआ। ठीक है, और विषम संख्या किसे कहते हैं? जैसे एक हुआ, तीन हुआ, पाँच हुआ, इसका उल्टा, जो दो से भागना लगे, यानी दो से पूर्ण रूप से भागना लगे। ठीक है, रिमाइंडर आ जाए, शेषफल एक बच जाए, यही ना, आपको ये मालूम होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग का मेन टॉपिक है वर्गमूल। तो देखिए आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जो भी संख्या जिसका, देखिए ये वाला इकाई अंक हुआ, है ना, ये वाला इकाई, ये वाला दाहिनी अंक, ये वाला इकाई, ये वाला दाहिनी इकाई, दाहिनी। ठीक है, तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक विषम संख्या है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल भी विषम संख्या होगा। जैसे नौ का वर्गमूल तीन, विषम संख्या। उसी तरह पच्चीस, पच्चीस का भी वर्गमूल पांच, विषम संख्या। देखिए पाँच, 225 एक, है ना, विषम संख्या है, इसका वर्गमूल भी निकालिएगा तो कितना आएगा? विषम संख्या आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? यानी कोई भी संख्या और कोई भी संख्या अगर यदि वो विषम संख्या है तो उसका अगर वर्गमूल निकाला जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक विषम संख्या ही निकलेगा। इतना तो बात क्लियर। एक चीज याद रखिएगा, देखिए जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, उस संख्या को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं?
परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जैसे देखिए 9 का वर्गमूल 3 आया, लेकिन वहीं अगर 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, है ना, 2.9 समथिंग उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो इतना बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 जो है, 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग कहिए या परिपूर्ण वर्ग कहिए, दोनों बात सेम है। तो जो भी संख्या यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो अगर विषम संख्या है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। ये बात गौर करने वाली बात है। उसी तरह से कोई भी संख्या जो एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, उसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो वो भी एक सम संख्या होगा। यदि वो एक सम संख्या है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, सम संख्या होगा। इतनी बात तक क्लियर? ये आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में इसी पर बेसिस सारे क्वेश्चन हैं, ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। अब सुन समझिए, जीरो वाला, ठीक है। तो जिस संख्या के अगर अंत में अगर जो शून्य की संख्या अगर जोड़ा वाला है, मतलब सम संख्या है, तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे देखिए 100, इसका भी इसमें डबल जीरो है, इसका मतलब इसका एक 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से 400 भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना बात को याद रखिएगा। वहीं अगर 1000 का बात बोला जाए तो देखिए 1000 में कितना, 3 जीरो है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया? यानी अगर नंबर ऑफ जीरोस ओड नंबर हो, ठीक है, शून्य की संख्या विषम हो, तो वो पूर्ण वर्ग बनने की कोई संभावना नहीं है, वो नहीं बनेगी। लेकिन अगर जीरो की संख्या क्या हो, सम संख्या हो, तो वो पूर्ण वर्ग बन सकता है। जैसे 900 लेंगे, समझ में आया? तो इसका वर्गमूल कितना होगा, देखिए 900, तो 900 के लिए पहले 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3, और चूंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो में से 1 जीरो निकल जाएगा। यानी 900 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, 30 आएगा। समझ में आया? ठीक है, इतना बात क्लियर? तो ये एक बात ये भी बता दी है कि जो संख्या जिसकी संख्याएं जिसकी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं परिपूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? परिपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालिएगा, तो वर्गमूल निकालिएगा तो वो दो संख्या में आएगा, एक चाहे तो धनात्मक होगा या एक ऋणात्मक होगा। जैसे देखिए हम 9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल का साइन ये है, तो ये 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। समझ में आया? चूंकि देखिए हम अगर प्लस एक बार लेते हैं तो 3 × 3 क्या आता है आपका, 9 आता है, ये आ गया, इसका मतलब ये भी सही है। और एक बार हम लोग −3 × −3 लेते हैं, तो इसका भी देखिए −−, क्या होता है, प्लस, और 3 × 3 9, यानी ये भी एक क्या है, परिपूर्ण, मतलब इस ये भी −3 भी इसका क्या है, एक वर्गमूल है। इस बात को ध्यान दिया जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कंडीशन में +3 लेते हैं, −3 को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी −3 भी इसका क्या आएगा, एक वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 में। क्या देखे रखा है आपके सामने, बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी सम परिपूर्ण वर्ग परिपूर्ण संख्या का वर्गमूल, अभी बताएं कि सम संख्या का जो वर्गमूल होगा वो भी क्या होगा, एक सम होता है। समझ में आया ना? अगर विषम होगा तो विषम होगा। फिर अगला पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। किसी विषम परिपूर्ण संख्या का वर्गमूल, तो विषम देके रखा, बताइए आप ही क्या हो जाएगा, विषम होगा। समझ में आया? यहां पर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तीसरा नंबर, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या, ठीक है, शून्य की संख्या, अब खाली घर देके रखा हो, तो उस संख्या का वर्गमूल एक क्या होगा, शून्य की संख्या क्या रहे, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो उस संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए 101 सम संख्या है, यहां पर जीरो की संख्या देखिए सम है, दो ठो है, तो इसका वर्गमूल भी क्या है, 10 क्या है, सम संख्या है। समझ में आया ना? आगे देखिए, वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, क्या कहते हैं उसको, आप ही बताइए, उसे परिपूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वे परिपूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है, ठीक है। पांच नंबर देखिए,
प्रत्येक परिपूर्ण वर्ग संख्या के दो वर्ग मूल होते हैं, एक धनात्मक एवं एक दूसरा ऋणात्मक। अभी बताए एक क्या होता है, धनात्मक वाला होता है और एक ऋणात्मक वाला होता है। ठीक है, आगे देखिए 484 के वर्गमूल में इकाई का अंक। अब एक बात ध्यान रखिए, इकाई का अंक, तो अभी बता रहे थे कि ये इकाई का अंक है, इसमें ये इकाई का अंक है, इन सब में ये इकाई का अंक है। तो देखिए जिस संख्या के अगर इकाई का अंक 4 है तो उसका वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा वो 2 होगा। याद रखिएगा 4 का क्या आएगा 2, 1 का 1 है ना, 9 का आएगा 3, 16 का आएगा 4, याद रखिएगा इस बात को, 5 का आएगा 5 है ना, और 6 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 7, समझ में आया। इस टाइप से 4 का फिर क्या आ जाएगा, किसी संख्या का अगर अंत में अगर 4 है तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ध्यान रखिएगा उसका जो इकाई अंक क्या आएगा 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए 484, तो 484 के वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा बताइए, इकाई का अंक 2 होगा, कितना होगा इकाई का अंक 2 होगा, है कि नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पर ही दिमाग लगाइए और कहाँ पर है, ठीक है। अब सुनिए आगे वाला देखिए 6 नंबर 1024, देखिए यहाँ पर 4 को 0 देके रखा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या दिमाग लगाइए। एक बात, यदि आपको अगर देके रखा है यहाँ पर देखिए वर्ग में अगर एक संख्या है या दो संख्या है तो उसमें जो अंकों की संख्या का वर्गमूल में वो 1 होगा, 2 में भी 1 होगा, 1 में भी 1 होगा। जैसे देखिए अगर सम संख्या रही है, देखो यहाँ पर एको संख्या है ना, तो एको संख्या तो विषम संख्या हो गया, समझ में आया। यहाँ पर देखिए 2 संख्या इसका मतलब सम संख्या हो गया, यहाँ पर 3 संख्या इसका मतलब विषम संख्या। तो जब अगर विषम संख्या रहे तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, समझ में आया, यानी अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक संख्या है तो एक संख्या एन के जगह में 1 लगा देंगे, यानी 1+1/2, समझ में आ रहा ना, यानी 2/2, यानी अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वहीं कोई नंबर दे दिया है, मान लो ऐसे 5, 4, 6, ये अंदाजन लिए, हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो या हो भी सकता है। तो देखिए इसमें 2, 2, 4, 2, 6 इसमें सम संख्या है, जब सम संख्या है तो उस उतना बटे ही जितना डिजिट है उतना को 2 से भाग दे देंगे, यानी 3 आ जाएगा इसमें है ना, वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ में आया। जैसे ये वाला, तो देखिए इसमें 3 है, विषम संख्या है, विषम संख्या तो 4 एक बढ़ाना पड़ेगा ना, 3+1, 4/2, यानी अंकों की संख्या कितना आ गया 2 आ गया, देखिए यहाँ पर 2 है, समझ में आया, इसी टाइप से दिया है। तो ये वाला कितना देखे रखा है आपको अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप खुद ही बताइए 8 है तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा 4 होगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इसी तरह से आगे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देखे रखा है कि 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है, तो 900 का वर्गमूल कौन सा होगा, 90 तो होगा नहीं, देखिए अभी बताया 3 का स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल रैखिक रूप से बताएं, रैखिक रूप से इन लोगों का वर्गमूल बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 80 है ना, ये आप निकाल लीजिएगा, इसका 441 किसका हो जाएगा 21 का हो जाएगा है ना, 20 का 21 का कितना गुना कर लीजिए, तो 21 गुना 21, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 441, 21। ठीक है, इस टाइप से 361 फिर कितना हो जाएगा 361 19 का हो जाएगा। ठीक है, 484 किसका हो जाएगा, 484 आपको आपका हो जाएगा 22 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपको अगर कहीं जरूरत हो तो आप बिराज जी पूछ सकते हैं।